सतनाम श्री वाहे गुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वाण निर्वैर काल मूर्त अजोनी सैभं गुरुप्रसाद बेसमार अथाह अगंत अधोले ज्यों बुलाव त्यों नानक दास बोले। उरदार विचार मुरार रमोरम मन मोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपूरे प्रवट कर दीने। सन्मानयोग सत्संग जियो, चल रही लड़ीवार विचार आरंभ करा। पेशतर गुरुदेव दी बख्शी श्रीमत फतेह कबूल करनी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शाम दे दीवान दे विच आप जी बेनजीर गुरबाणी कीर्तन भाई जैमल सिंह जी पासों सरवण कर रहे सी, जो गालबन कुछ समय तो लड़ी फ्राइडे दे दीवान दे विच संगत दी शमूलियत दी इंटरप्ट हुई सी, उन्हों रीस्टोर करन दा प्रयास चल रहा है और दीवान दा समा भी थोड़ा एक्सटेंड कीता है। वीर जी आप जी नूं दस रहे सन, धन गुरु नानक देव जी महाराज दे पवित्र शब्द जो हजूर ने गौड़ी राग दे विच उचारण कीते हन ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंग 221 दे उत्ते सुभायमान हन ते संगीतक तौर ते गौड़ी कई तरह दी है। गौड़ी चेती है, गौड़ी ग्वारैरी है, गौड़ी पूर्वी है और गौड़ी दखणी भी है। एक संगीत दियां राग दियां अलग अलग शाखावां हन। गायन दी दुनी है पर महाराज ने जे गौड़ी पूर्वी है ते उते हैडिंग बकायदा लिखिया होया राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा उते लिखिया होया। तो एक गौड़ी ग्वारेरी है। गुरु नानक साहिब दे मुकद्दस शब्द हन ते मैं बार बार बेनती कर रहा अष्टपदी दे लंबे शब्द हन, डेढ़ डेढ़ दो दो अंग दे शब्द हन। अज जो शब्द है नवा शब्द आरंभ होया सी कल आप जी ने रहाओ तिकर विचार सरवण कीती है। ओ जो शब्द सी उस दियां पंक्तियां सन मन कंचर काया उदया ने गुर अंकस सच शब्द निशाने
ते अगली रहाओ दी पंक्ति है राज द्वारे सोभ सो माने चतराई न चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ। कल इथों तिकर आपने विचार सरवण की थी जिस दे विच धन गुरु नानक साहब कथन कर रहे है बंदा चतराई नाल धन प्राप्त कर सकता है पदार्थ प्राप्त कर सकता है संसार दी माया प्राप्त कर सकता है पर प्रभु तिकर बंदे दीयां चतराइयां नहीं चलदियां उथे सियाणपां नहीं चलदियां उथे मनुख दी अकल भी काम नहीं करदी क्योंकि उथे ते अकल नूं एक पासे रखना पैंदा है ते भावना नूं अगे रखना पैंदा है। तो इथों तिकर विचार आपने कल सरवण कीती है अज शब्द दा दूसरा पदा लड़ीवार आप सरवण करो क्योंकि अष्टपदी दे शब्द हैं। दूसरे पदे च धन गुरु नानक देव जी महाराज जो मुकद्दस उपदेश दे रहे हैं पंक्तियां हिरदे च प्रवेश कर जान मन दी एकाग्रता लई टिकाओ लई ठहराओ लई पाकीजगी लई एक दफा प्यार नाल जपो सतनाम श्री वाहिगुरु फिर जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। हजूर कथन कर देने कर मैं अमृत तस्कर ली नन्ना कार ना कोए करी। थोड़ा उच्चारण में भेद है असी शब्द पढ़ने ना नो सीधा ही शब्द है ना नो नहीं इत्थे हजूर ने शब्द वरत्या नन्ना कार इहदा भी मतलब है नहीं कोई भी नहीं। तो दरअसल धन गुरु नानक देव जी महाराज जो कह रहे हैं उपदेश कर रहे हैं हजूर कहते ने मनुख के घर ही अमृत है मनुख के अंदर ही प्रभु है पर बंदा उन्हों बाहर खोज रहा है बाहर तलाश कर रहा है बाहर उन्हों लभ रहा है वो अंदर लभ बंदा बाहर रहा है। मैं कई दफा अर्ज कीती है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच थोड़ा जा एकाग्रता नाल सरवण करना तवाजन देना अमृत शब्द बेअंत दफा आया है अमृत बेअंत दफा आया है। हुणे वीर जी गुलाटी साहब मुसाफिर जी अमृत संचार बारे कह रहे सन उत्थे भी शब्द अमृत है अमृत शब्द बेअंत दफा आया है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच पर सेंटेंस शब्द दे हिसाब नाल वो अमृत दे अर्थ बदलते ने चेंज होंदे ने जिवें मैं अर्ज करा दो तीन उदाहरण आप जी दे समस्त भेट करा। असी भगत नामदेव जी का एक बड़ा सुंदर बोल पढ़ रहे हैं ते उस बोल दे शब्द हैं सोइन कटोरी अमृत भरी लै नामे हर आगे तरी उथे भी शब्द अमृत है। हुण उथे अमृत का मतलब है दुध उथे अमृत का मतलब पानी नहीं है उत्थे अमृत का मतलब अमृत नहीं है। जदों भगत नामदेव जी महाराज कह रहे ने सोइन कटोरी अमृत भरी शब्द अमृत है लै नामे हर आगे धरी उत्थे अमृत का शब्द दुध है। पर असी जदों सुखमनी साहब का पाठ करिए ते उत्थे असी पढ़ते हैं जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए वो शब्द उत्थे भी अमृत है
हुण इत्थे अमृत दा मतलब दुध नहीं है, इत्थे अमृत दा मतलब है 36 तरह दे भोजन जिहड़े स्वादिष्ट खाने हैं, लजीज खाने, डिलीशियस फूड। इत्थे अमृत दा मतलब भोजन है, स्वादिष्ट भोजन। हुण उसे सुखमनी साहिब दे विच असीं पढ़दे हाँ, नौ निद अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद अनहत ते नाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। हुण इत्थे अमृत दा मतलब ना भोजन है ना दुध है, इत्थे अमृत दा मतलब है प्रभु दा नाम रूपी अमृत। इत्थे हुण शब्द ते अमृत ही है, पर इत्थे ना मतलब भोजन है ना दुध है, इत्थे अमृत दा मतलब है प्रभु दा नाम। नौ नित अमृत प्रभु का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद अनहद ते नाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। ते इत्थे धन गुरु नानक साहब जड़ी गल कर रहे ने वो अमृत नाम दी है। मैं पंक्ति फिर दोहरा दिया, घर मैं अमृत तस्कर लई, महाराज कहिंदे ने ओ अमृत नाम प्रभु दा साडे शरीर दे अंदर है, ओ प्रभु साडे अंदर है, ते सानू ओदी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, ओ मिल क्यों नहीं रहा, क्योंकि वह पांच तस्कर जड़े हैं, चोर जड़े हैं, वह पेश ही नहीं जान देंगे, उतों तिकर पहुँचन ही नहीं देंगे। वह बंदे की अवस्था दे विच, ध्यान दे विच, मेडिटेशन दे विच, एकाग्रता दे विच वह अंतरा पा देंगे, वह बंदे की पेश ही नहीं जान देंगे। यह तो इंज है कि जिमें कोई कला कमजोर बंदा जा रहा है वह बेचारा कमजोर निहत्था बंदा, वीक है, फिजिकली वीक है, तो उन्होंने दो चार रस्ते च गुंडे मिल जाए, बदमाश मिल जाए, चोर मिल जाए, तो उन्होंने सारे पासे तो घेर लैन, पकड़ लैन। कुछ बंदे की हालत महाराज कहिंदे ने इस तरह की है, बड़ी सुंदर हजूर दी पंक्ति है, बाणी दा उपदेश है, अवर पंच हम एक जना, ओ पंज ने ते मैं कल्ला है, अवर पंच हम एक जना, ओ पंज ने ते ओ जड़े पंज ने ओ महाबदमाश है, एक तो एक बदमाश है, ओ काम जड़ा वो घट नहीं है, वह क्रोध जड़ा है उसका सिरा है, वह जड़ा लोभ है उस तो बलवान है, वह जड़ा हंकार है वह सब का ही सिरा है, वह पेश ही नहीं जान देता। तो मेरा अपना जाती तजर्बा, मैं मोह नूं बड़ा वीक मानता सी कि मोह जड़ा ना वह घट ताकतवर है, मेरी गुस्ताखी माफ अपनी ऑब्जरवेशन सी, अपनी स्टडी सी, वैल्यूएशन सी, जां मैं आप कदी कदी सोचता सी कि जिहड़ा मोह है ना वह ताकतवर घट है, उहदी शक्ति घट है। पर जदों मैं एक बहुत वड्डी इतिहास की एग्जाम्पल पढ़ी, तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के बोल पढ़े, तो मैनू समझ आई कि मोह भी सब का ही सिरा है, सब वो भी घट नहीं है। महाराज कहते ने जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए। वो जड़ा मोह है वही कोई घट नहीं है, वह भी कोई घट ताकतवर नहीं है। तो हजूर कहते ने मोह दे विच फसे हुए बंदे का एक हाल है कि मोह मोहया जाने दूर है,
कहो नानक सदा हजूर है। वह माया दे विच मोह दा जिहड़ी मोह मैं बेनती करा, मोह दा मतलब हुंदा है जो मेरा है, मोह मेरे तो पैदा हुंदा है। मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा रुतबा है, मेरा शरीर है, मेरा धन है, वो जिस जिस तो मेरा पैदा हुंदा है, मैं कई दफा अर्ज कीती उतों मोह पैदा हुंदा है। ते मोह दे विच फसिया होया बंदा उन्हों प्रभु सदा दूर ही नजर आता है। मोह मोहया जाने दूर है, वह सदा उन्हों प्रभु नेड़े नहीं नजर आता, वह प्रभु तो दूर है। तो मैं अर्ज कर रहा सी, मैं ऐसा समझदा सी कि मोह घट ताकतवर है, पर नहीं। महाराज कहिंदे ने ये पंजे एक तो एक महाबली हैं, एक तो एक सूरमे हैं, ये पंजे एक तो एक चोर हैं। ते हजूर कहिंदे ने हालत ये है अवर पंच, हम एक जना मैं कल्ला ही हाँ, वो पंज हैं ते पंजे ही बड़े बलवान हैं। ते एक भगत रविदास जी महाराज ने एग्जाम्पल दिती, तशबी दिती, थोड़ा ध्यान नाल सरवण करना। वो कहिंदे ने घट अवघट डूंगर गणा, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये सिंह एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। थोड़ा ध्यान नाल सरवण करना। श्री रविदास जी दे बड़े सुंदर बोल हैं, घट अवघट डूंगर गणा। मैं थोड़ी जी बेनती करा, धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच पंजाबी नहीं है, वो लिखिया गुरु जो है गुरमुखी लिपि च है, पर दरअसल बहुत सारिया भाषावां दा सुमेल है। सिंधी है, हिंदी है, पाली है, संस्कृति है। ते मैं ये भी अर्ज करा, संस्कृत नहीं, दरअसल शब्द संस्कृति है, संस्कृत का उपवंश। जो असी उत्थे सरलेख पढ़ते हाँ तो उत्थे संस्कृत नहीं है, वो है सलोक संस्कृति। धन गुरु अर्जन देव जी के सलोक है ना, नाल पौड़ियाँ, वो संस्कृति है, पर वो संस्कृत वर्गी उसकी शैली है, पर संस्कृत नहीं है। जड़ी संस्कृत है उसकी शैली है, जैसे असी गायत्री मंत्र पढ़ते हाँ संस्कृत दे विच, जे जी बैठे ने मेरे दोस्त, वो गायत्री मंत्र दे बोल हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य अस गिलानी भवते भारती, ओम बुरबावा स्वाहा तुक्त स्वित्र न स्वित्रो महा। ये संस्कृत है, पर जड़ी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच है वो संस्कृति है, गाथा है, सिंधी है, हिंदी है, मैं अर्ज करा पंजाबी है। ते पंजाबी दे विच बहुत ही पंजाबी लहिंदी पंजाबी है, वो लहिंदे पंजाब दी पंजाबी है। मैं कई दफा अर्ज कीता है, जड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की आरंभता है, जड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की शुरुआत है, वो लहिंदे पंजाब की पंजाबी है। जड़ी मुल्तान ते उधर दे इलाके दे विच शेखूपुरा, गुजरांवाला, लायलपुर, झंग मंगियाणे च बोली जाती है, क्योंकि धन गुरु नानक साहब का आगमन शेखूपुरा का है, उधर का है। ते बाणी की आरंभता लहिंदे पंजाब तो है। जदों असी पढ़ते हाँ आद सच जुगाद सच, ते उत्थे असी पता की पढ़ते हाँ, नानक होसी भी सच। उत्थे शब्द होसी है, ते ओ लहिंदे पंजाब दा है। जदों असी पढ़ते हैं भांडा अच्छा सोए, उत्थे अच्छा नहीं है अच्छा है, वो लहिंदे पंजाब दी पंजाबी है। तो गरज के मैं अर्ज करा, इत्थे भगत रविदास जी महाराज एक राजस्थानी शब्द बोल रहे हैं,
वो राजस्थान दे विच बोलिया जाता है ते वो शब्द है डूंगर। डूंगर मैं फिर बेनती करा ते जिन्होंने जयपुर कदी देखिया होवे उत्थे एक किला है राजा पार्क गुरुद्वारे दे लागे है। हुणे मेरे तो पहले जिहड़े भाई साहब कीर्तन करके गए ना पिछले एतवार तो भाई निर्मल सिंह जी ते भाई अमरीक सिंह जिहड़े बाबा मक्खण साहिब काफ़ी देर उत्थे कीर्तन करते रहे। वह गुरुद्वारे दे नाल ही जिहड़ा किला है उहदा नाम है मोती डूंगरी किला, फोर्ट मोती डूंगरी ते रोड का नाम ही वह जयपुर दे विच मोती डूंगरी है राजा पार्क गुरुद्वारे के बगल च। हुण ध्यान देना भगत रविदास जी इत्थे कह रहे हैं घट अवघट डूंगर गणा एक निर्गुण बैल हमार ते राजस्थानी भाषा दे विच डूंगर कहिंदे ने उच्ची जगह नूं। जिहड़ा किला उच्चा हुंदा ना कोई भी किला तुसी देखो वो उच्चा है धरती तो। श्री रविदास कहिंदे ने मैं उपर जाना है प्रभु दे मार्ग ते घट अवघट डूंगर गणा विच खांझां बड़ियां हन खड्डे बड़े हन ते ओ खड्डे पता कादे हन ओ पत्थर विच पता कादे हन। श्री रविदास कहिंदे ने किधरे काम आके खलो जांदा पत्थर रूप च, कदी क्रोध आ जांदा है कदी लोभ आ जांदा है कदी मोह आ जांदा है ते श्री रविदास कहिंदे ने ओ खाइयां बड़ियां डूंगियां हन ओ पत्थर बड़े स्ट्रोंग हन घट अवघट डूंगर गणा एक निर्गुण बैल हमार। हे रमैया हे निरंकार हे वाहेगुरु हे बीठल हे मधुसूदन हे गोबिंद मेरा मन बड़ा कमज़ोर है। वो चार पंजे जड़े बड़े बलवान हन एक निर्गुण बैल हमार ते उत्थे श्री रविदास जी महाराज कहिंदे ने रमैये सियो एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार हे रमैया हे गोबिंद तू ही कृपा कर इन्हां पंजां तो तू बचा लै इन्हां पंजां तो तू रख लै। धन गुरु नानक साहिब कहिंदे ने ओ अमृत घर दे विच है लेकिन ओ जिहड़े तस्कर हन ओ जिहड़े पंज चोर हन ओ साडी पेश नहीं जान दे रहे ओ साडी कोई वाह नहीं जान दे रहे। घर मैं अमृत तस्कर ले नन्ना कार ना कोई करे एदे तो कोई मुनक्कर नहीं है। सारे ऋषियों ने किया है मुनिया ने किया है जोगिया ने किया है सिद्धा ने किया है कि असी इन हथों हार रहे हाँ ये साडे उत्ते हावी हैं ये साडे उत्ते भारू हैं। इन पंचन मेरो मन बिगारियो पल पल थरची ते अंतर पारियो। ये जड़े पंज हैं ऋषि कह रहे हैं योगी कह रहे हैं जती कह रहे हैं सन्यासी कह रहे हैं कि इन्हां दे उत्ते किसे दी पेश नहीं जांदी इन्हां दे उत्ते किसे दी वाह नहीं जांदी। बड़े बड़े ऋषियां नूं ठग लैंदे हैं बड़े बड़े तपीश्वरां दे तप डोल जांदे हैं। मैं एक भगत नामदेव जी की बाणी दे विचों आप जी नूं एग्जाम्पल दवां तशबीह दवां। श्री नामदेव कहते ने एक ऋषि है ते वो ऋषि बड़ा तपस्या वाला है उहदा तप बड़ा है उहदा जप बड़ा है पर वो जिस राज महल च जांदा राजे नूं चिंता पै जांदी है कि ऋषि कोई भैड़ा बोल ही ना बोल दवे कोई माड़ा बोल ही ना बोल दवे। वो जिहड़ा ऋषि है जिस घर दे विच जांदा वो घर वाले नूं चिंता पै जांदी है कि वह ऋषि जड़ा है उहदे कोल ब्रह्म वाक है उहदे कोल वाक सिद्धि है उहदा बोलिया होया खता नहीं जांदा ते किधरे सराफ ही ना दे दे ते उत्थे महाराज की बाणी कहिंदी है जड़ी यादवां दी कुल है उस ऋषि दे बोल करके खत्म हो गई वह ऋषि दे बोल करके समाप्त हो गई ते वह ऋषि का नाम है दुर्भाषा। महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी है मैं बेनती करा मैं कहानी नहीं कह रहा बाणी है महाराज की बाणी दे बोल हैं
दुर्भाषा स्वीकृत ठगौरी यादव ए फल पाए ओ दरबाशा ऋषि दे एक बोल दे नाल यादव कुल नष्ट हो गई। इहदा मतलब वो ऋषि क्रोध उत्ते काबू पाई नहीं सकिया, क्रोध ही नहीं जित सकिया। वो क्रोध दे उहदे कोई भैड़ा एक भी बोल कह दे वो जबान तो जड़ा है वो सराफ देंदा है। ते एक पासे धन गुरु नानक साहब हैं वो कलयुग दे विच हैं। ते मैं बेनती करा उन्हों मक्के दा एक हाजी धन गुरु नानक साहब नू गाल कढ़ रहा है। मैं कहना अर्ज करा ध्यान देना वो भैड़े बोल नहीं बोल रहा, वो पहले गुरु नानक साहब नू भैड़े अलफाज नहीं कह रहा, गाल कढ़ रहा है। ते फिर वो गाल टिकरी सीमत नहीं, लत जड़ी है महाराज के हिरदे च मार रहा है। भाई गुरदास जी की इबारत है, वो कहिंदे ने जीवन मारी लत दी केड़ा सुत्ता कुफर कफारी। वो पहलो क्रोध दे विच आया है ते कहिंदा केड़ा काफर खुदा दे घर वल लत करके सुत्ता है। मैं अर्ज करा आप नारायण कलाता जग मैं परवरियो, आप नारायण निरंकार खुदा नू काफर कह देना ये गाल ही है। ते कितनी वड्डी गाल है, ते वो सिर्फ गाल नहीं कढ़ रहा, उहदा क्रोध जड़ा है वो आपे तो बाहर है, खिच के लत धन गुरु नानक साहब दे हिरदे च मार रहा है। वो हमला कर रहा है, वो अटैम्प्ट्स कर रहा है, अब्यूज कर रहा है। ते उत्थे भाई गुरदास कहिंदे ने जीवन मारी लत दी केड़ा सुत्ता कुफर कफारी। ते गुरु नानक साहब क्रोध विच नहीं आंदे, हाथ जोड़दे हन, नमस्कार करदे हन। ते उत्थे डॉक्टर भाई वीर सिंह पता की लिखदे ने, धन गुरु नानक साहब कहिंदे ने तू कौन है, तू कित्थों आया है? कहिंदा तू काफर है, तेनू पता नहीं है इधर खुदा दा घर है। ते गुरु नानक साहब उत्थे हाथ जोड़ के नमस्कार करके प्रणाम करके निम्रता दे नाल कहिंदे ने मैं भुलिया हाँ, मैनू पता नहीं, सफ़र बड़ा लंबा सी, हजूर दी सऊदी अरब खलीज दे मुल्कां दी लंबी यात्रा है, ईरान दी इराक दी लंबी जर्नी है, मैनू पता नहीं है। ऐ खुदा दे माबूद जिधर खुदा दा घर नहीं है तू लत्तां उधर कर दे, तू लत्तां उधर कर दे। ते जदों ओ लत्तां नू कदमाउंदा है ते ओनू नज़र आउंदा है कि मैं बेनती करां दरअसल ये गुरु की कृपा है, गुरु की रहमत है, जिदे सिर उत्ते गुरु हाथ रख दे ते जिन्नू गुरु जना दे ओनू जीवन नू महाराज ने जना दिता कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। उहदे सिर उत्ते महाराज ने हाथ रखिया है ते जिधर देखदा है खुदा ही नज़र आउंदा है, खुदा दा घर ही नज़र आउंदा है। वो जीवन भी महाराज के चरणा च नमस्कार करता है, वो जीवन भी झुकता है। धन गुरु नानक साहब इत्थे कहिंदे ने कोई ऋषि क्रोध तो हार गया, कोई लोभ तो हार गया, इहदे तो कोई मुनक्कर नहीं है, कोई ना नहीं करता, नन्ना कार ना कोए करे। ते अगे साहब कहिंदे ने राखे आप वड्याई देई, जिन्हों वाहिगुरु आप वड्याई नाम की दे देंदा है, शब्द की दे देंदा है, उहदे ते किरपा हुंदी है, ये उहदी वड्याई है, उहदी दात है, उहदी दात जड़ी है दातार दे हथ दे विच है। जिसनों बख्शे सिफ सलाह नानक पातशाही, पातशाह हर कियां सदा सदा वड्याईयां दे न पछोताए। ये शब्द का भाव सी। अगे तीसरा पदा जो है उहदी विचार कॉन्टीन्यू रहेगी क्योंकि समय की समाप्ति है, हुई पुलां की खिमा सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद, भुल चुक दी खिमा, सब दी हाजरी गुरु बाबा प्रवान करन, सब नू चढ़दी कला दी दात फराहम करन। हुण अगला प्रोग्राम सरवण करो सिख कौम दे नामवर कीर्तनीए भाई जैमल सिंह जी, जो कि बड़े लंबे समय तो महाराज दे इतिहासक स्थानां ते कीर्तन दी सेवा करदे रहे। और ये जदों आए मैं उत्थे ही सी, प्लेन भी हुई कथा कर रहा सी, ते उत्थे इन्हां दे नाल ज़ियारत हुई,
इत्थे हाजरी भर रहे तफसील आप सरवण करो, सब दी महाराज च हाजरी कबूल करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।